क्यों डरते हो यार? अगर इंडिया नहीं डरता हमसे और कहता कि ये हमारा कौमी मफाद है, और अगर बांग्लादेश नहीं डरता और श्रीलंका नहीं डरता और वो कहता ये कौमी मफाद है, आप क्यों डरते हैं? क्योंकि जब चले हुए कारतूस धमाकों के दावे करें जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क में हो रहा है। भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में, वहां पे एक एड्रेस किया पब्लिक रैली को, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, दुश्मन फो पाकिस्तान के साथ, जिसे दुश्मन कहते हैं, साथ कोई बात नहीं करेंगे, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो पार्ट है कश्मीर का वो उसकी आज़ादी तो जारी बात है, वो जो ऑटोनॉमी है वो तो उन्होंने ले ली थी। देखें आप देखें ना अभी क्या हो रहा है। अब वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है हम कुछ पैसे दे देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कुछ दे देंगे, ये उस वक्त है जबकि, और ऑब्वियसली AIIB जो है वो भी कुछ पैसे कह रहा है हम दे देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी कब देंगे। और इस वक्त हमारी हालात ये हैं कि हमारा जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 8 बिलियन हैं, और इस मेरे ख्याल में ये आज के फिगर्स आएंगे तो 8 से भी थोड़े नीचे चले जाएंगे। तो हमारे पास डॉलर्स हैं नहीं, और लोग जो हैं वो सिर्फ उन्होंने हमें उस पर एक पंजाबी का लफ्ज़ है लारों पर रखा हुआ है। तो और हमारे दोस्त जो ये कह रहे थे अभी हमारे चाइना से इतने पैसे आ जाएंगे और कतर से इतने आ जाएंगे और UAE से इतने आ जाएंगे और सऊदी से इतने, सऊदी ने सिर्फ रोल ओवर का कहा है कि दिसंबर में हम रोल ओवर करेंगे, अभी चाइना ये सब तक सिर्फ रोल ओवर ही कर रहा है। तो इनको पैसे नहीं मिल रहे, उसकी वजह से आप देखें इंटरनेशनल जो आपकी ये जो है मल्टीलैटरल जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इनको, बड़ी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने वहाँ पे बैठ के बातें की हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, इंडिया जो है उन फैमिली से बात नहीं करेगा जो यहाँ पे पुराने रूल कर रही हैं। सो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी साहब की जो पार्टी है वो ये चाहती है कि एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कश्मीर में खड़ी की जाए, और वो जो लीडरशिप है वो आगे जाके चीज़ों को उसको लेके चले। अब इलेक्शन जो हैं वो होने हैं और वो नहीं हो पा रहे, और वो कह रहे हैं जी बड़ी जल्द इलेक्शन होंगे, जैसे इलेक्शन होंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सो एंड सो, और वो कह रहे हैं हमें सजेशंस मिल रही हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन वो जो BJP है उसने कहा है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, और ना वो कह रहे हैं हम जो है वो पाकिस्तान से बात करेंगे ना उन फैमिली से बात करेंगे, लेकिन हम जो गुजर्स हैं पहाड़ीज हैं बारामूला के उनके साथ बात करेंगे और जो कश्मीर की यूथ है उससे बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जिसे कहते हैं ना पैसा भी फेंका है, और जो पूरे क्रॉस इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी जो रिपोर्टिंग हो रही है दैट इज़ ऑल, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि वो उन्होंने कहा जी कि 1.62 करोड़ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर में विजिट किया, और जिस ये 75 साल तारीख जो है उसको बताता है। अब क्वेश्चन ये है, जारी बात है इस 1.6 करोड़ जो टूरिस्ट है इसके डाटा के ऊपर तो बात की जा सकती है कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो क्या क्रेडिबल डाटा है भी या नहीं है क्या है, लेकिन एट टाइम मेरे जहन में ये सवाल आता है कि जो पाकिस्तान में हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है? मिसाल के तौर पर अगर लेट से कि इंडिया के अंदर वो एक फिल्म पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, और वो बेसिकली क्या है जी कि कश्मीर में भी शूटिंग होगी और सारे वहाँ पे जो टूरिज्म को लेकर जाया गया, मैंने खुद पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको विजिट किया हुआ है, जारी बात है वहाँ जाते हुए खौफ आता है, द रीज़न बिहाइंड इज़ के वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है वहाँ, और एक मेरा ख्याल है कोई सरकार की कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, और अदर देन दैट अगर वहाँ पर आप होटलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें लोग जो हैं वो कदरे दरमियाने होटल हैं, वहाँ पर हल्के होटल हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि भाई आप मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें आप पैसा फेंकें, लोगों को रोज़गार दें, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को हाई कर दें, ताकि अगर वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको हर किस्म की जो है ना वो आज़ादी मिले। अब ये जो करोड़ों लोग वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने पहला कि क्रेडिट पाकिस्तान के पास तो डाटा कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डाटा शेयर कर सकती है कि आज़ाद कश्मीर में कितने टूरिस्ट गए,
भारत की आपको लीडरशिप को और उन लोगों को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो डाटा के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। वो डाटा सही है, वो गलत है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन उसको रिलीज करता है, किस तरह की जाता है, क्या ये सच्चे फिगर है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए एक तासुर दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है जी कि अब ये आप देखें ना, ये सारा मीडिया को वो जिस तरह यूज कर रहे हैं, और वो दैट बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, साउंड्स क्रिएट करता है। मिसाल उन्होंने कहा जी हम जो है ना, हम जो टेरर टू टूरिज्म जा रहे हैं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे कश्मीर को। अब ये सारा मीडिया जब उसको पिक करता है, लोग जब इसको देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। जबकि ऑन दी अदर सेंट मैं आज देख रहा था जो मूडीज है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको वल्नरेबल और एट रिस्क पर डाल दिया। उन्होंने मेरा ख्याल है उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है उसको CAA1 कर दिया फ्रॉम B3, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, रिस्क ज्यादा है, फिर फ्लड्स आए हैं, फिर उससे पहले कोविड था, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब ये चीजें जो है ये एक बहुत बड़ी जो है वो जिसे आप कह लेंगे ये डेवलपमेंट। अगर 1700 लोग पाकिस्तान में मर गए हैं, आपकी जो जो GDP ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कम 1% के करीब आपकी, वो अगर आपको वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो CAA1 कर दी है, और बिकॉज गवर्नमेंट की जो लिक्विडिटी है और जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क है वो, और जो हायर डेट है, और जो इसकी वजह से अब सैलाब ने उसके ऊपर मजीद क्रिएशन कर प्रॉब्लम पैदा कर दी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो जो है ना, जिसे कहते हैं ना, चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस मुसलसल रहने हैं, ये काम तो नहीं होने जा रहे। लेकिन उधर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने देखे, क्या पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है वो कश्मीर जाके इस तरह के स्टैटिस्टिक्स दे सकता है? जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद में बैठते हैं, टेक्निकली जिनके नीचे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है और ये सारा कुछ है, वो वहां पे जाके दे सकते हैं? पिछली हुकूमत ने अली मीन गंडापुर को कश्मीर का मिनिस्टर बना दिया, और अमूमन हम कश्मीर की मिनिस्ट्री जो है वो बस दे देते हैं, उसमें होता से तो कुछ भी नहीं है ना, वो मिनिस्टर के पास को पावर होती है ना, वो वहां फैसला कर सकता है, फैसले किसी और ने करने होते हैं, ताकत किसी और के पास होती है, जो है कानून लिखा किसी लिखी हुई जो है वो थ्योरेटिकल पावर किसी के पास है, प्रैक्टिकल पावर किसी के पास होती है। तो हमें वो जो कश्मीर का सॉफ्ट इमेज है वो क्रिएट करना है, अपने लोगों को ये बताना है कि भाई आप कश्मीर में जो है वो जो अब फॉर एग्जाम्पल जो ड्रामाज हैं वो तो सारे कराची लाहौर में बन जाते हैं घरों की। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में तो ड्रामे जो बन रहे हैं वो एक बिल्डिंग लेते हैं, कोठी लेते हैं, वहां पे उस कोठी के अंदर ड्रामा बन जाता है, उनको निकलने की आदत ही नहीं है वहां से। निकलेंगे अब जाएंगे अब ना, तो पाकिस्तान में ये जो है कोई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी क्योंकि हम मौलवी बन गए, हमने फैसला कर लिया हमने मदरसे चलाने हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हमें यूनिवर्सिटियों की बजाय मदरसे बनाने हैं, और हमने अपनी जो कौम का जो फैसला है वो मदरसों के जरिए कराना है, अपनी नस्लों को मदरसों में डाल के तो अपना मुस्तकबिल ठीक करना है। तो जाहिर बात है फिर उससे चीजें जो है वो